आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और दोनों हाथों को उठाएं। आज परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। प्रभु ने मुझे कहा आज सुबह एक एंजल भेजकर अपने लोगों से बातचीत करने के लिए, और मुझे कहा इस साल के जितने भी महीने रह गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें मेरा परमेश्वर आपकी लाइफ में स्पीड से काम करेगा। आमीन। आपके कैरियर में, आपकी फैमिली में, आपके बिजनेस में, जिनके हाथ ऊपर है, मैं प्रार्थना करता हूं आप ऊपर ही ऊपर, डाउन नहीं जाएंगे, ऊपर ही रहेंगे। आमीन। आप इस साल में करा डाउन नहीं जाएंगे, ऊपर ही रहेंगे परमेश्वर। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं पवित्र आत्मा जी आज, और जो तूने मुझे कहा है परमेश्वर कि मैं इन लोगों को डाउन नहीं जाने दूंगा। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा ने मुझसे बात किया और तूने कहा मैं इनकी हर शर्मिंदगी को इनकी लाइफ से निकालूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। मैं आपकी लाइफ को, विजिबिलिटी को, ग्रेस को देख रहा हूं आपके ऊपर आते हुए। जब आपके ऊपर विजिबिलिटी की ग्रेस होगी तब आपके हेल्पर आपको ढूंढ लेंगे और गवर्नमेंट फेवर करेगी आपका। याद रखना है, तीन महीने के अंदर गवर्नमेंट हर एक बच्चे बच्चे की तरफ देखेगी, क्योंकि परमेश्वर फेवर कराएगा आपकी और मुंह कराएगा। बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेंगी, बहुत सारे लोगों को घर की आशीष मिलेंगी, आपकी और फेवर कराएगा परमेश्वर तीन महीने के अंदर। परमेश्वर साइलेंट नहीं रहेगा, याद रखना। ये पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है कि मैं साइलेंट नहीं रहूंगा। जाकर बजिंदर सिंह ने कह दे कि तू मेरा दास है, नहीं जाकर कह दे, जिनको लगता है कि परमेश्वर साइलेंट है, वो तीन महीने के अंदर हर पादरी देखेगा, परमेश्वर अपनी चुप्पी को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप सिस्टम में ढूंढ लेंगे, आपके आस पास जितने भी सिस्टम है आपके पास गवर्नमेंट ढूंढ लेगी। मैं कह रहा हूँ कि वो ग्रेस के लिए, वो पादरी, वो क्लीसिया, वो विश्वासी लोग, परमेश्वर का फेवर आ रहा है आपके ऊपर, ग्रेस आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मुझे पता है यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन आत्मा आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है मैं आपके लिए प्रेयर करवा रहा हूँ। प्रॉफिट बजिंदर से ये बात याद रखना, अपने हर एक दासों से प्रेयर करा रहा है वो आपके लिए। पूरे वर्ल्ड में प्रभु के दास लोग आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि ताकि आपके ऊपर अनुग्रह बरसे, और इसी समय आपकी जो भी कोई परेशानी है, आज चिल्ड्रन की मिनिस्ट्री की आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है, आज हाथ उठाने वालों की दूर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाकर कहो परमेश्वर को, आप जो भी मटेरियल लाए हैं अपनी फोर्ट में, अपने कर्जे के सर्टिफिकेट, लोन के सर्टिफिकेट, आप कुछ भी मटेरियल लाए आज उसको ऊपर उठाओ, या विश्वास के साथ अपने हाथ को ऊपर उठाओ कि परमेश्वर में आज पवित्र आत्मा अपने बच्चे की रिपोर्ट को लेकर आया हूँ, आज मैं परमेश्वर अपने घर के बिल को लेकर आया हूँ, अपनी फोटो को लेकर आया, अपने रिश्तेदार की फोटो को लेकर आया, अपनी बेटी की फोटो को लेकर आया हूँ, इसके पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर आप किस बात के लिए दुखी हैं, आज वो बात हाथ उठाकर परमेश्वर को बताओ। इस समय परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, कुछ क्यों ना हो अगर वो आपकी स्माइल में रुकावट दे रही है चीज, आज परमेश्वर आपकी स्माइल में से वो रुकावट दूर करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये तीन महीने आपके खुशी के भरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये वीक आप आशीषों से भरता हुआ देखेंगे। ये हफ्ता आपके लिए स्माइल का हफ्ता होगा चर्च। क्या आप आमीन बोल सकते हैं हाथ उठाकर? फिर कह रहा हूँ ये हफ्ता आपके लिए आशीष भरा होगा चर्च। आप जिस क्षेत्र में रिजेक्शन कर दिए गए हो, जिस क्षेत्र में आपका दिल तोड़ दिया गया, उसी स्थान पर, उसी प्लेस पर मैं देख रहा हूँ कुछ एंजल आएंगे आज रात के बाद, आपके मस्तक को ऊंचा करके जाएंगे, ऊंचा आपके मोहल्ले में, आपके चर्च में, आपकी मिस्ट्री में, आपकी सेवकाई में, आपके घर में, आपके गांव में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के एंजल यहाँ ग्रेस देने के लिए आए हुए हैं चर्च। आपका फेवर होगा आज रात, आमीन बोलने वालों का फेवर होगा, आपके ऊपर परमेश्वर की ग्रेस आ रही है चर्च। ये वीक ऑनलाइन देखने वाले आपके मस्तक ऊपर ऊंचे किए जाएंगे, याद रखना। जो शर्मिंदगी के कारण हट जाए सामने से, जो शर्मिंदगी के कारण जो झुका दिए गए थे वो फिर से उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं आज? परमेश्वर आपको उठाए, आपको ऊंचा करे। आज विश्वास करना है, आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में वो आशीष को देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। फिर से हाथों को उठाऊं, फिर से कहूं परमेश्वर को, फिर से गाऊं, फिर से गाऊं, फिर से गाऊं। तू चुप रवि,
यहोवा तेरी जंग लड़ेगा आस न टावी ना घबरावी ना घबरावी आस न टावी ओ ना घबरावी हाथ झुक के करी दुआ वो आपे तेरी जंग लड़ेगा हाथ झुक के करी दुआ वो आपे तेरी जंग लड़ेगा चुप रवी तो चुप रवी यहोवा तेरी जंग लड़ेगा यहोवा तेरी जंग लड़ेगा यहोवा तेरी जंग लड़ेगा यहोवा तेरी जंग लड़ेगा हालेलुया हालेलुया अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ बोलो चुप रह आज यहोवा तेरी जंग लड़ेगा हालेलुया डाउन नीचे बैठ जाओ मुझे पता है बैठने की जगह नहीं है लेकिन हाथ मिलाओ एक दूसरे के साथ सारे बोले हालेलुया हालेलुया मैंने स्पेशल केबिन बनवाए थे मैंने कहा एक दो खाली रखेंगे हालेलुया आपको विश्वास करना है आज मैं कह रहा हूं कि अपने पड़ोसी को बोलो कि आज परमेश्वर चुप नहीं रहेगा बोलो कितने लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर साइलेंट है बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद सोच रहे होंगे कि परमेश्वर साइलेंट है लेकिन परमेश्वर चुप नहीं रहेगा आज आज मेरा परमेश्वर थारीवाल वालों के लिए गुरदासपुर वालों के लिए चर्च Amen. इस प्लेस पर आई हुई संगत के लिए अपनी चुप्पी तोड़ेगा आज वो चुप रवि बस तुमने चुप रहना है परमेश्वर जब दाऊद बोलता है अपने लोगों को कह रहा है कि चुप हो जा परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है हालेलुया हालेलुया आप समझ रहे हैं आपको चुप रहना है परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करेगा Amen. अपने हाथों को उठाकर फिर से कहूं तू चुप रही यहोवा तेरी जंग लड़ेगा आस न टावी ना घबरावी आस न टावी सारे बोले हालेलुया हालेलुया कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर यहाँ पर है आज विश्वास करना है हर एक जन के लिए आज परमेश्वर बोलेगा सिट डाउन वॉलंटियर सिट डाउन मैंने कहा तुम्हारे बस की बात नहीं है बैठ जा सारे बोले हालेलुया हालेलुया आज विश्वास करना है पवित्र आत्मा ने मुझे कहा करेगा जो विश्वास के साथ प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव करेगा उसके बंद पड़े दरवाजे खुल जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में हर आशीष का कोना आपके लिए होगा चर्च हर एक छुटकारा आपके लिए होगा आज आमीन हर एक आशीष आपके लिए होगी यीशु मसीह के नाम में आमीन आपको विश्वास करना है पवित्र आत्मा यहाँ पर है आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में आमीन मैं देख रहा हूँ जिसके नाम बी एन आर एस जी एम और के और एल से हैं आप दिसंबर से पहले एक नया मकान की नींव रखना स्टार्ट करेंगे चुप रवी तू चुप रवी यहोवा तेरी जंग लड़ेगा तू चुप रवी तू चुप रवी यहोवा तेरी जंग लड़ेगा तू चुप रवी हालेलुया हालेलुया प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा करे कि जो लोग बीज नहीं बोते उनको जाकर बोलना वो गरीब रहते हैं पादरी लोग बार बार समझाते हैं इसलिए कभी पादरी अपने चर्च में कभी बीज बोने का प्रचार ज्यादा नहीं करता दूसरे को बुलाता है सारे बोले हालेलुया हालेलुया आपको विश्वास करना है मैं कह रहा हूँ कि बीज बोने वाला गरीब नहीं रहता लेकिन जो बीज नहीं बोता वो गरीब रहता है कह रहा दोगे तो दिया जाएगा आज आप खुशी से परमेश्वर के राज्य के लिए जो भी बो रहे हैं पवित्र आत्मा बरकत देगा यीशु मसीह के नाम में आपको सुनना है होली स्पिरिट बात कर रहा है यहाँ पर कुछ लोगों से मैं से किसी को देख रहा हूं यहाँ पर ऐसे कीर्ति कीर्ति हालेलुया जो भी यहाँ तक उठा लो शाबाश जो भी किसी का नाम बच्चे का नाम कीर्ति बड़े का नाम कीर्ति हालेलुया हाँ मैंने हाथ उठा लो वहीं से हाथ उठा ले बेटे और जिसमें अपने सिर पर रख लो कीर्ति क्योंकि आगे आने का टाइम नहीं है जो सिर्फ आगे पीछे पीछे वॉलंटियर माइक पकड़ा दिया करो हालेलुया प्रॉफिटी प्रोफेसी कर रहे थे अभी आप हाँ। कि कोई बहन है कीर्ति ये बहन बता रही इनका नाम कीर्ति है मेरा नाम कीर्ति
बेटी है। क्या नाम है बेटे? कीर्ति। कीर्ति, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। मैं देख रहा हूँ आत्मा में कि बहुत सारे मुश्किलों का सामना तो कर रही है। yes. बड़े टाइम से दुख तकलीफ को झेल रही है। तेरे लोग तेरे को बोलने लगे हैं, तेरी मम्मी तेरे को घर में बोलने लगी है। मैं डैडी की बात नहीं कर रहा हूँ, तेरी मम्मी की बात कर रहा हूँ। कि क्या दिया तेरे यीशु मसीह ने तुझे? विश्वास कर लिया, लेकिन तेरी मम्मी ने अब तक विश्वास नहीं किया। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? कह रहे हैं तेरा डिवोर्स, डिवोर्स, डिवोर्स। क्या क्या चल रहा है अभी? चल रहा है अभी? मैं कुछ जादू टोने देख रहा हूँ, और उसी समय वो चीख रहे हैं, और मेरे पास एक एंजल खड़ा है, और वो तेरे पास आ रहा है, और निकल रहे हैं वो, निकल रहे हैं वो, निकल रहे हैं, निकाल रहे हैं वो गंदी स्पिरिट को। जिसको छूलूंगा पवित्र कर दूंगा, जिसको छूलूंगा पवित्र कर दूंगा। आउट फ्री, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप बेटे, स्टैंड अप। परमेश्वर का आत्मा तुझे आशीष देना चाहता है। अपनी मम्मी को जाके बोल देना कोई आया था, परमेश्वर का दास बोल कर गया है, तीसरे महीने में वो घुटने टेकने वाली है। तू चुप रवि, तो चुप रवि, यहोवा तेरी जगह लड़ेगा। सुनो, आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये गीत? ये प्रोफेसी समझ में आ रही है? वो कह रहा है चुप रही, तू माँ के नाल बहुत बोलती है। मेरी मम्मी मेरे को बहुत बोलती है कि तेरा यीशु कुछ नहीं कर सकता है। मैं की फारसी बोल रहे नहीं देर दो। मैंने बोला सब कुछ करेगा मेरे यीशु। तूने बोला? Yes! प्रभु ने मेरे को जानती है कहीं? मेरे को सुन, तेरे पास कोई फोन नंबर है मेरा? नहीं। कहीं मैकडी में बर्गर खिलाया? नहीं। अगली बार याद रखना। सारे बोला हालेलुया। आप सुन रहे हैं, तीसरे महीने में तीन एंजल चले गए तेरी माँ के पास। तू चुप रहना, तू फालतू नहीं बोलना, झगड़ा नहीं करना माँ से, बहुत औखी होती है तू, बहुत औखी, समझती है, बहुत बहुत बातें करती है, बहुत गुस्सा करती है। मैं ऐसे देख रहा हूँ किसी को तुम्हारे घर के नाम, तेरी डैड मम्मी के साथ जुड़ा हुआ एक नाम हो सकता है, डैडी या फिर उसका पति, ऐसे मलक मलक मलक। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरी जगह लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरी जगह लड़ेगा। मर्जी तेरी, अब चुप रहना है कि नहीं? अपने पड़ोसी को इशारा कर दो, साइलेंट, तुमने चुप रहना है। परमेश्वर को काम नहीं करने देते लोग। सुनना, आप जहां से भी आए हैं, अमृतसर वालों, गुरदासपुर वालों, धारीवाल वालों, आप लोग अपने घर में जब कोई आपके खिलाफ बोलता है और आप आगे से उसके साथ गुस्सा करते हैं, पता तनु, तनु पता, यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है, देख ली तू, देख ली, कुछ नहीं होना। परमेश्वर ने कहा चुप रहे, मुझे काम करने दे। yes. आप चुपचाप सुनकर चले जाओ, बोलो ठीक है, मेरा बाप मुझे बोलता रहा, कह रहा क्या किया तेरे यीशु मसीह ने, मैं तीन साल उसके साथ झगड़ा ही करता रहा, मैं कहा तेरे को दिखाऊंगा, दिखाऊंगा। आई थी तब भी लड़ाई करी थी। चुप, समझाया ना अभी? तो अभी इसी समय और अभी क्या हुआ? कह रहा मैं तीन साल बोलता रहा अपने डैडी को, देख लियो तू, एक दिन मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। हालेलुया। मेरा बाप कह रहा देख रहा हूँ तीन साल से तू मेरी रोटियां तोड़ रहा है। मेरा बाप कह रहा तेरा ब्याह भी नहीं हो रहा। मैंने कहा देख लियो एक दिन लेके आऊंगा। लेकिन कह रहा तीन साल हो गए बोल रहा है, कह रहा रोटियां तोड़ रहा है। मैंने कहा लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने मुझे कहा अब तू भविष्यता बन गया, अब चुप रह, तुझे बोलना नहीं है, अब मैं काम करूंगा। और उसके बाद दो एक साल पहले मेरा डैडी बैप्टिज्म लेने के लिए मेरे पास आ गया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? yes. जब आप अपने अंदर का गुस्सा बाहर निकालते हैं परमेश्वर काम नहीं करता। इस लड़की को मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं बेटे? यहाँ पर तुझे ही नहीं, मैं सबको समझाना चाह रहा हूँ कि ये गीत का मतलब है, हम गाते तो हैं कानों में लीड लगा के, हाँ बड़ा अच्छा सिंगर है गया, सिंगर है गया था मतलब समझ लो। कह रहा कि क्या कह रहा है? कह रहा चुप रही, चुप रही। आगे क्या बोला तूने पंजाबी में? हंस ना टावी ना घबरावी। आस नहीं छोड़ना,
विश्वास रखना है, परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, जो मैं मांग रहा हूँ मुझे मिलेगा आज रात। आमीन। जिस बात के लिए मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, एक टाइम आएगा मैं सिर को ऊंचा करके मोहल्ले में से निकलूंगा। आमीन। बोला हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं आप? सुन रहे हैं? परमेश्वर काम कर रहे तेरी लाइफ में। आमीन। हाँ, ऐसे अभी इसी समय देख रहा हूँ कुछ कुछ चीजें आपके आपकी फेवर में होना स्टार्ट हो जाएंगी अब से यीशु मसीह के नाम में। अगर ये आपका पेट बड़ी प्रॉब्लम में है, yes. एक्सरे कराऊं, अल्ट्रासाउंड कराऊं, क्या कराते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ी सारी बच्चेदानी में कुछ गिल्टियां गंठे निकलने वाली हैं, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा करे सुबह उठेगी, रिपोर्ट कराएगी नॉर्मल। आमीन। यीशु के नाम में कह रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी में आप जॉब करते हो। yes. मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? क्या क्या जॉब करते हो? लाइटर्स का टाइप काम होता है जो प्राइवेट कंपनी में करते हो। प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो? आज के बाद जॉब नहीं करेगी, तेरा खुद का काम होगा यीशु मसीह के नाम में। तू चुप रबी, चुप रबी, यहोवा तेरी तंगे लड़ेगा। तू चुप रबी, तू चुप रबी, यहोवा तेरी तंगे लड़ेगा। दोबारा उछल, दोबारा उछल, दोबारा उछल, देख, एक दो और हालेलुया, हालेलुया। फ्री, ये योजना है परमेश्वर की, ऐसे छलांग मारते हुए आएगी गवाही के साथ एक दिन यीशु मसीह का। मैं देख रहा हूँ जिसका नाम कीर्ति भी है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक नए घर के साथ ब्लेस हो रहे हैं, उनका बच्चा भी, परिवार के जन आशीष दे रहे हैं यीशु के नाम में। सुनो, मैं देख रहा हूँ कोई यहाँ पर पीले सूट में कोई लेडीज है, होंगी तो बहुत सारी, लेकिन ये बैठी, ये बैठी, ये बैठी मेरे सामने ही बैठी। हाँ हाँ, सामने। स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। पीली बहुत सारी हैं। हाँ हाँ, मैं अब बता रहा हूँ, बस वहीं खड़े रहो, वहीं 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 वहीं। हाँ, पीले सूट वाली मैं कह रहा हूँ, जिनके पास सिर्फ पीला सूट और बच्चा नहीं है हाथ उठाओ, दो, बेटा नहीं है, हाँ, तीन, चार, दो, पांच, छह, आज सारे पीले सूट डाल कर आगे, सात, आठ, नौ, दस। देखो एक कहाँ खड़ी है, कैमरामैन इसके पीछे मार, और उसके पीछे मारियो कैमरा, धर्मेंद्र हट जा पीछे से, हाँ, इसके पीछे फिर कैमरा मार इस लेडीज के, हाँ, शाबाश, ये दो, ठीक है, इन दोनों पहले इसको दिखाना है, पीले सूट वाली को। सुनो, आप माइक कर, माइक कर, धर्मेंद्र खड़ा हो। सुनो, पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है, कितने लोग जानते हैं यहाँ पर परमेश्वर का सामर्थ है। Yes. सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, आप आशीष को देखेंगे अभी। yes. सुनो, मधु कौन है? मधु मेरी बहन, आपकी बहन है, चुप रबी तो, चुप, आपकी बहन है, आपकी बहन है मधु। सुनो, आज अगर तू पीला सूट ना डाल कर आती तेरे ऊपर दया नहीं होने वाली थी। ये क्या बात है? ये मैं प्रोफेटिक वर्ड बता रहा हूँ। क्या आपने जब सूट डाल रहे थे तब आप चेंज कर रहे थे ये वाला सूट? हाँ जी। आप कह रहे थे नहीं मैं दूसरा डाल के चलती हूँ। हाँ जी पापा जी। लेकिन पिंक वो फुल्लो वाला था। हाँ जी। लेकिन आपने ये वाला डाल लिया। हाँ, सही कह रहा हूँ कि नहीं? तू चुप रबी, तू चुप रबी, यहोवा तेरी तंगे लड़ेगा। सुनो सुनो, आप दोनों से बात कर रहा है पवित्र आत्मा, आपको कह रहा है कि आज आनंद लेकर जाना यहाँ से, आज आनंद लेकर जाना परमेश्वर का। पवित्र आत्मा आनंद लेने वालों को आशीष देता है। जो लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरी भविष्यवाणी पूरी होगी कि नहीं, मैं कह रहा हूं आज कोई इस पंडाल में से खाली याद नहीं जाएगा चर्च। जल्दी टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, सुनना ध्यान से, परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। पीले सूट वाली सुनो, और ये ब्राउन सूट वाली, दोनों के पास मैं से देख रहा हूँ कोई मांग रहा है, दोनों के पास। वैसे आपके दोनों के घर में बेटा नहीं है? बेटा नहीं है? yes, पापा जी। किस किस के पास नहीं है? yes, पापा, मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं है? नहीं। आपके पास भी नहीं है? नहीं। दोनों के पास बेटा नहीं, नहीं है? नहीं। और वो देख रहा हूँ, वो सुनो सुनो, उस लेडीज का नाम, आगे आ जाओ, ये यस, आगे आ जाओ, आगे दौड़ के, दौड़ के, दौड़ के, दौड़ के, दौड़ के, शाबाश, इसके पास आ जा, शाबाश। इसको जानती है तू? पीछे मुड़ के देख ले, जानती है इसको तू? नहीं। देख, जानती है? नहीं। नहीं जानती? नहीं। मैं तेरी जान पहचान कराऊंगा आज। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। माइक कर इसके सामने, माइक कर। शादी का दिन नहीं आज, ऊपर उठ कर देखो। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। हाँ हाँ, किरण, किरण कौन है? किरण, यस, मेरा नाम है हालेलुया। रुक रुक रुक, अभी से पूछ, अभी से पूछ। मेरा नाम किरण है पापा जी। तेरा नाम भी किरण है? यस। इसका नाम भी किरण है? यस। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? नहीं नहीं पापा जी। आप वो पीछे बैठी थी, दोनों मिल गए,
तू चुप रवि, चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप कहेंगे मैंने नहीं ऐसा नबी देखा, ये यीशु मसीह है, यहाँ पर वो नबी है। yes. तो इंसान नहीं है, विश्वास करना है। सुन रहे हो, तेरा नाम भी किरण, तेरा नाम भी किरण, इत्तेफाक नहीं है, ये मुलाकात है खुदा के साथ आज तुम्हारी। खुदा बन के लोगों तालियां बजाओ, खुदा बन के लोगों। हालेलुया, हालेलुया। दोनों को परमेश्वर खुशखबरी देने के लिए जा रहा है। yes, आमीन। खुशखबरी मिलेगी, लेकिन माया मधु 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 मधुबाला, yes. बाला नहीं है लेकिन दो मधु, तू नाराज है, yes. इसके लिए भविष्यवाणी कर दिया, मेरे लिए नहीं हुआ, लेकिन सुनना ध्यान से, परमेश्वर की आत्मा करा, मैं देख रहा हूँ, इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, yes. किसी को 14 साल 9 साल 4 साल, yes. कितना साल हो गया? 4 साल। कितना साल हो गया? 9 साल। एक एक है, एक एक माइक कर। 9 साल, यस, 14 साल। जी चुप रवि, तू चुप रवि, तू चुप रवि, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछो कौन आ गया यहाँ पर आज। यीशु आपके सामने बाइबल खोल रहे हैं, yes. सुन रहे हो, आप वहाँ बैठी हो दूर और वहाँ से निकल कर आ रहे हो, अब इसे जान पहचान करेगी कि नहीं? सुन ले, मैं तेरे सुन, तुम्हारी जान पहचान करा रहा हूँ, एड्रेस दे रहा हूँ, जम्मू, यस पापा जी, बटाला, यस, हालेलुया। बाद में करिए, पहले हाँ ना पूछो, से कहाँ से? जम्मू से आई हूँ पापा जी। तू कहाँ से है? बटाला। नेक्स्ट, जम्मू से। तारीफ करेंगे जो आपको परमेश्वर, चुप मेरा चारा समझा कर, और सुनना, इसी समय मैं फिर कह रहा हूं कि शाऊल जब प्रार्थना कर रहा था तो उसको वो एड्रेस नहीं मिल रहा था एंजल को, ना परमेश्वर के दास को जो रखा गया था उसके लिए चंगा करने के लिए, उसकी आंखें खोलने के लिए अंधा हो गया था वो, लेकिन परमेश्वर ने एक एंजल भेजकर उसको एक एड्रेस बताया, कह रहे हैं कि जो सीधी गली कहलाती है उसमें शाऊल नाम का एक व्यक्ति तुझे मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? सीधी गली, आज परमेश्वर एड्रेस देना चाहता है। आप कहीं से भी आए हो, मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह ने नए नियम में भी लोगों के एड्रेस दे दिए, आज आपके पते बता दिए। आप कहीं से भी आए, अगर विश्वास हो गया कि नहीं, मैं आपको प्रचार स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूँ कि अगर आज आप शांति के साथ प्रचार सुनेंगे और उसके बाद आप मिराकल मिराकल देखेंगे अपनी लाइफ में, आज यीशु मसीह, मैं आपको अभी मसाला दे रहा हूँ, अभी ट्रेलर बाकी है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्योंकि खिचड़ी बिना मसाले के अच्छी नहीं लगती। विश्वास करते हो आज? ये परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहा है। मधु मधु, yes. आपसे बात कर रहा हूँ, सुनो, yes. मैं एक पर्स देख रहा हूँ, एक yes. जगह देख रहा हूँ, और उसमें एक एटीएम देख रहा हूँ, एक कार्ड देख रहा हूँ, ऐसे yes. ग्रीन कलर का, ये पापा ऐसे जी. ऐसे कोई कार्ड है और उस पर लिखा है 20-50। सुन, आपको नहीं पता, होली स्पिरिट को मालूम है, 20-50। सुन रहे हो, परवीन कौन है? परवीन कुमार, मेरे पति, हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। सुनो 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 और सुनो और सुनो, हाँ, निकालो निकालो निकालो, पर्स ऊपर करो, ऊपर करो, दिखाओ दिखाओ सबके सामने, निकालो, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का, जैसा जैसा ये लड़की ने साड़ी डाला, ग्रीन कलर, हाँ ग्रीन कलर, देखो देखो देखो, चेक करो चेक करो, हालेलुया, 20-50। प्रॉफिट जी, अभी आप प्रोफेसी, बहुत सारे पांच हैं इसके अंदर, बहुत सारे पांच हैं, अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, हाँ, कि ग्रीन कलर का कार्ड है, हाँ, और उसमें 20-50 लिखा है, और ग्लोरी टू जीसस। सुनो, बहुत सारे पांच हैं, देखो 1-2-3-4-5-6 हैं इसके अंदर, और लास्ट में देखो, ओए फुल करके दिखा स्क्रीन पर, 20-50 अपने हाथ। ये आदमी कहां से आ गया बीच में, हट, ये बीड़ी पी के, 20-50। सुन रहे हैं कि नहीं? हालेलुया, यस। और सुनो, आपको नहीं पता, एक एंजल आएगा आज रात इस कार्ड के पीछे, आपको एक मोहर लगा कर जाएगा, ब्लेसिंग। हालेलुया, सुनो सुनो सुनो,
एक और बता रहा हूँ, एक और बता रहा हूँ, ऐसे सुनो 41, इसकी बैक साइड कर, बैक साइड कर, 41 कहीं लिखा है 41, हालेलुया, हाँ प्रॉफिट जी इसकी बैक साइड लिखा है 41, हालेलुया। तू ताने तू मन चाहिए, तू ताने स्क्रीन दिखा, स्क्रीन दिखा, स्क्रीन दिखा, तू ताने तू मन चाहिए, तू ताने तू मन चाहिए, हालेलुया। ये साइन है तेरे लिए, सिग्नल है, ये ट्रेन जब आती है सिग्नल देती है, याद रखना परमेश्वर करे के आपकी जिंदगियों में कोई काम करने से पहले रात को ड्रीम के द्वारा एक सिग्नल देता है, या नबी के द्वारा सिग्नल देता है, ये सिग्नल है तेरी लाइफ में, बच्चा हो के रहेगा। चुप रबी तो, चुप रबी, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा, तू चुप रबी तो, चुप रबी, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? Yes, पापा जी। परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है, yes. आपको आशीष देता है, yes. जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, जिस गाड़ी का, होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, yes. आपकी फैमिली में किसी के बहुत एक्सीडेंट होते हैं, yes. बार 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 उसके घुटनों में कुछ प्रॉब्लम रहता है, yes. पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज रात चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप इसी समय एक नया बिजनेस, आज से 3 महीने के बाद एक नया बिजनेस खोलेगा आपका हस्बैंड, आपकी फैमिली के लोग कह रहे, और वो बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बड़ी आशीष को खुलने वाले, 3 घर आगे 3 घर पीछे, इतना धनी कोई नहीं होगा जितने आप होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं मेरी बात पर? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 2024 अगस्त का टाइम दे रहा हूँ, एक नई कार के साथ आएगी यीशु मसीह के नाम में। सुनो, ऐसे देख रहा हूँ 1989 का महीना, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सुन अगस्त, हाँ नौवा महीना, नौवा, नौवा मिनट है, नहीं नहीं, अगस्त आठवां, जनवरी, फरवरी, क्या हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हाँ आठवां, सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके अपने हाथों को उठाओ और आज विश्वास के साथ करा के आपके घर पर 2 तरह की 3 तरह की जादू टोने करा के फेंक दिए गए, आपसे कोई जेलस करता है, आप ही का बंदा है, और पीले सूट वाली तेरे पड़ोस में है कोई, करे जेलस करता है, जेलस करे के, और जेलस के कारण मैंने खून के छींटे देखे तुम्हारे घर पर, मैंने वो कुछ कपड़े देखे फटे हुए, बाल कटे हुए देखे, आज वो ब्लैक मैजिक, जितने भी बैठे हैं आज, अगर किसी ब्लैक मैजिक का शिकार है, आजाद हो जाएंगे आज। आज विश्वास करना है, ये परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग होगी आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छुएगा और बरकत देगा। पीले सूट वाली अपने सिर पर हाथ रख लो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिनके पास बच्चे नहीं है, इनको बेटे की आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, और एक आशीष इनके पर ठहरने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। फिर से सुनो, पवित्र आत्मा गुड न्यूज देना चाहता है। आप में से कौन है जो सुनीता को जानता है, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है? यस, कौन है? मेरी सहेली है, एक फ्रेंड मेरी। हालेलुया, विश्वास हो गया? आप जब बात कर रहे थे उससे, कोई कोई पूछ रहे थे गुप्त बातें, गुप्त बातें, बच्चा कैसे होगा, कहाँ से, कैसे, मुझे पूछती है वो, हैं, मुझे पूछती है रोज, वो रोज पूछती है, उसको जाकर क्या देना कि भविष्यता था धारीवाल में, वो बता कर गया, कह रहा है कि अगले साल गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाना और अपने पड़ोसी को बोलना, चुप कर, आज तेरी वारी आशीषों की। आमीन। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। मेरे हाथों की तरफ देखना, और इसी समय वो गंदी स्पिरिट बाहर निकल रही हैं, चीख रही हैं और चिल्ला रही हैं, छोड़ दे इनको, चल मुंह खोलो, चिल्ला और निकल जाओ बाहर, आ रा 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 रा, आउट 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 आउट, दोनों को छोड़ दे, छोड़ दे, निकला बाहर, निकला बाहर, निकला बाहर, चल मुंह खोलो, चिल्ला और निकल जा, फायर, आग उतरे, आग, यहोवा बराबर की आग उतरे, और इसी समय परमेश्वर किरण के ऊपर से हाथ रख सिर पर धर्मेंद्र के, यीशु के नाम में पिछली पिछली किरण, पिछली किरण, एक और किरण है, हाँ, इसी समय परमेश्वर इसको बेटे की आशीष मिलने पाए, यीशु मसीह के नाम में फ्री हो जाए,
गुड न्यूज के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें, शाबाश। खुदावन के लोगों, क्या मेरे खुदा के लिए ताली बजा सकते हो? आज आप खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। आंखों से पर्दे हटाओ, प्रतिष्ठ के गीत गाओ, आंखों से पर्दे हटाओ, प्रतिष्ठ के गीत गाओ। आइए सब अपनी बाइबल को उठाएं फटाफट, जल्दी जल्दी अपने हाथों में जो बाइबल लाए हैं। मुझे पता है कुछ लोग बाइबल नहीं लाए, मेले में आए हैं, रास्ते में गोलगप्पे खाएंगे, टिक्की खाएंगे, चाट खाएंगे, क्योंकि अंधेरा बहुत है, बाइबल नजर नहीं आएगी। मोबाइल है तो अपने मोबाइल में निकालो। परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है, आपको आशीर्वाद देना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे? परमेश्वर का आत्मा छुएगा आज आपको, और इसी समय प्रभु का आत्मा आपकी ब्लेसिंग को रिलीज करेगा। मेरे पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ पवित्र आत्मा जी आज तेरे कलाम में, पवित्र आत्मा जी आज जो लोग इस समय परमेश्वर यहाँ पर बैठे हैं, मेरे पिता पवित्र आत्मा, आज इसी समय परमेश्वर जितने लोग तेरे कलाम को सुनकर जाएं, इनकी आशीषें खुल जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में, इनके बंधन टूट जाएं आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर एक आशीष इनकी होने पाए पवित्र आत्मा जी आज। आमीन। हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम में टिकने पाए पवित्र आत्मा जी आज। आमीन। मेरे पिता परमेश्वर, तू आज अपने लोगों की जिंदगियों में चमत्कार कर, मिराकल कर, ये जान ले के आज यहोवा चोरावर यहाँ पर आया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। और जिन लोगों ने आज, जिनका भरोसा वचन पर है, इनकी जिंदगियों में आशीषें ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं वो गुड न्यूज को देखेंगे। आमीन। क्या आप तैयार हैं आज आशीष देखने के लिए? बोलो हालेलुया। हाँ हाँ, विश्वास करना, परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। कितने लोग जानते हैं परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है? परमेश्वर आज आपके लिए यहाँ पर आशीषें लेकर आया हुआ है। आज विश्वास करना, हम गलतियां कर बैठते हैं कई बार, हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अपने पड़ोसी को चूटी मार कर बोलो कि आज परमेश्वर ने तुझे छोड़ा नहीं है, वो तुझे पकड़े हुए है। अपने पड़ोसी को एक चूटी मार कर बोलो, परमेश्वर ने तुझे छोड़ा नहीं है। क्योंकि आपके ख्यालों में ये चल रहा है, आपके ख्यालों में, आपके विचारों में चल रहा है। जब इंसान गलती करता है तो उस समय वो उसके ख्यालों में चलता है कि शायद मेरे आसमान के बाप ने मुझे छोड़ दिया है, शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, करा जाकर लोगों से क्या देना, करा कि अगर आज, करा कि जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं, जो लोग पछतावा करते हैं, जो लोग पश्चाताप करते हैं, उनसे जाकर क्या देना कि बजिंदर सिंह, उन्हें जाकर क्या देना धारीवाल की मीटिंग के अंदर, करा कि आज, करा जितनी भी गलतियां की होंगी मैं उनकी गलतियां आशीष में बदल दूंगा आज रात ही समझ। लेकिन अगर आज जो पछता रहे हैं, जो लोग गलती करने के बाद कह रहे हैं कि इस बात के लिए विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया है, एक अवसर मुझे देगा, मैं कह रहा हूं कि आज रात आपकी गलतियां आशीष में बदलने वाली है चर्च। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरी गलतियां आशीष में बदल जाएं? आपकी आशीष आज स्वर्ग से रिलीज होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जितने यहाँ पर बैठे आज सबके सब आशीष को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कितने तैयार हैं आज आशीष को लेने के लिए? जितने तैयार हैं आज हाथ उठाकर मांगो परमेश्वर से, आज बोलो कि आज परमेश्वर मेरी आशीष को खोल दे। आज का हमारा टॉपिक है, स्क्रीन पर देखेंगे हम, आज का हमारा टॉपिक है कि आशीषों का सिग्नल, आशीषों का सिग्नल कब और कैसे आएगा? क्योंकि परमेश्वर आज रात यहाँ पर सिग्नल दे रहा है आपको, ये भविष्यवाणी करा के सिग्नल दे रहा है कि यहोवा चोरावर आज तुम्हारी किस्मत बदलने वाला है, तुम्हारा फ्यूचर बदलने वाला है। आमीन। उसने आते ही कहा, करा जितनी तुम्हारी फोटोएं हैं, जितने तुम अपने तकदीर को लेकर आए हो, जितने भी अपनी हथेलियों को बार बार देख रहे हो या किसी से दिखा रहे हो, तोता मैना से भविष्य पूछ रहे हो, आज रात कोई तोता मैना नहीं, आज परमेश्वर तुम्हारी तकदीर को बदलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज आशीष को खोलने वाला है। आशीषों के सिग्नल कब और कैसे आएगा? कह रहा है कि तीन काम करने हैं, अगर आप चाहते हैं, तीन तरीके से आता है आशीषों का सिग्नल। ज्यादातर भोर के समय, भोर के समय पत्रस के पास आया, भोर के समय, लेकिन यहाँ पर लिखा, कह रहा है कि देखो दर्शन के द्वारा सिग्नल आएगा आपको, ड्रीम के द्वारा सिग्नल आएगा, प्रेयर के द्वारा आएगा,
और तीसरा नबी के द्वारा सिग्नल मिलेगा आपको। हालेलुया हालेलुया। आज विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? यस। कह रहा अगर आपको कुछ नहीं मिला, मैं कह रहा हूँ आज रात आप बहुत कुछ लेकर जाने वाले, आमीन बोलने वाले। आमीन। आज विश्वास करके जाना है। मैं कह रहा हूँ आपकी गलतियाँ आज परमेश्वर आशीष में बदलने वाला है। लेकिन अगर आप साइलेंट रहे आज रात, अगर आज रात आप चुप रहे हालेलुया बोलने में, आमीन बोलने में, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर चुप्पी साध लेगा। लेकिन जितने हालेलुया बोल रहे हैं, बता दो आज आप आयो इकट्ठे होकर आज हालेलुया। कह रहा मेरा परमेश्वर आज चुप्पी नहीं रखेगा, अपनी चुप्पी तोड़ देगा आज। आमीन। लोग बोलते हैं तुम्हारा परमेश्वर साइलेंट है, काम नहीं करता, लेकिन आज ये भविष्यवाणी की शाम है दोस्तों। आज के बाद एक हफ्ते के अंदर तरह के आज मैं कह रहा हूँ सिग्नल आएंगे, गवाहियों के सिग्नल आएंगे। आप मिराकल पर मिराकल देखोगे। आमीन। क्योंकि आज आप ऐसी शाम में आए हो, आज की आज रात तरह के एक एक एंजल आपके साथ जाएगा। आमीन। आपकी तकदीर को बदलेगा, आपके फ्यूचर को बदलेगा। जिस चीज ने आपकी स्माइल को रोक रखा है, उस रुकावट को दूर करके जाएगा आपके सामने से आज। आमीन। क्योंकि आमीन बोलने वालों के लिए परमेश्वर, हालेलुया बोलने वालों के लिए परमेश्वर, हाथ उठाने वालों के लिए परमेश्वर, पादरियों के लिए परमेश्वर चुप नहीं बैठेगा, स्वर्ग से निकल कर आएगा मेरे और आपके बीच में। आज सिग्नल देकर जाएगा वो। आमीन। क्या आप स्माइल दे सकते हैं मेरे खुदा को? यस। क्या ताड़ियों की भेंट चढ़ा सकते हैं उसे? यस। आज क्या ना है, अपने पड़ोसी को बोलो कि आज साइलेंट रहे, परमेश्वर तेरे लिए साइलेंट नहीं रहेगा। आमीन। बोला हालेलुया हालेलुया। बाइबल बताती है, कह रहे कि जब हम गलतियां करते हैं तो हमें लगता है परमेश्वर हमें देख नहीं रहा। बोला हालेलुया। कितनों को ऐसे लगता है? देखो कितने दूध के दले हैं। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। जब हम गलतियां करते हैं हमें लगता नहीं है कि परमेश्वर हमें देख रहा है या नहीं देख रहा। अब्राहम भी एक जगह गलती कर बैठा, लेकिन सोच रहा था शायद परमेश्वर साइलेंट है, चुप है, परमेश्वर को मालूम नहीं है। लेकिन बहुत बार धारीवाल के पंजाब के लोग भी, जब मैं नया नया आया पंजाब में हरियाणा से, तो उस समय पंजाब में आया तो मेरे को एक बात पता लगी, पंजाब के लोग बहुत साइलेंट हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पंजाब चलते हैं। हालेलुया। पंजाब में जब मैं गया, मैंने अपने दोस्त को कहा, पड़ोसी को कहा, मैंने कहा भाई नया आया हूँ किराएदार, मैंने कहा कहीं से राशन दिलवा दे, कहीं से बेड खरीदवा दे, कहीं से अच्छी अच्छी चीजें खरीदवा दे जहाँ मतलब कि सस्ता मिले। और उसी समय वो मेरे साथ दुकान पर गया और दुकान पर जाकर कहने लगा कोई बोलेगा नहीं, बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ। और उसी समय दुकान पर जाकर मेरे साथ जाके कहने लगा करापा जी ध्यान रखियो। उसने बोला जी तुसी आ गए तो वड्डा मान है। मैं समझ गया अगर ऐसे बोले ना कोई तो वड्डा मान है, बस तुसी आगे आगे ना बोले हो, चुप रहे हो, साइलेंट, इसका मतलब इसकी कमीशन है। बीच में टांका मार लिया उसने। उसने कहा भाई साहब वो बेड इतना महंगा दवा दिया उसने। मैंने कहा पंजाब के लोग बहुत साइलेंट है। दुकान पे गया, मुझे कह रहा था मैं अभी जाऊंगा और अभी बेड कह रहा सस्ता दिलवाऊंगा, फ्रिज भी सस्ता दिलवाऊंगा। लेकिन बेवकूफ था, वहां पे जाके खड़ा हो गया और जाके क्या कर रहा, बोला भी नहीं, साइलेंट हो गया। कहता मान रख लिया, बस कहता रख लिया। आप समझ गए, कह रहा साइलेंट है। कह रहा यहाँ पर, कह रहा कहीं पर भी हमारे हरियाणा में, कह रहा जब वहां के लोग भी बहुत साइलेंट हैं, जब किसी लड़की का रिश्ता करते हैं तो उसी समय लड़का, एक बार लड़की देखने के लिए गया तो उसकी माँ ने कहा साड़ी कुड़ी ता ना बस गाँव है कि गाँव, साड़ी कुड़ी ता गाँव है कि गाँव, मतलब हमारी लड़की तो बिल्कुल गाँव है गाँ, हरियाणा में बोल रही थी। कह रहे हमारी तो गाँव है गाँ। कह रही कैसे गाँव है, कैसे है? कह रहे नहीं बड़ी साइलेंट है, ये तो बोलती नहीं, झगड़ती नहीं, चुप रहती है। कह रहे अच्छा आपने देखा जब रिश्ता होता है लड़की का, उससे पूछते हैं खाना बनाना आता है तो ऐसे कहती गाय की तरह, कपड़े धोने आते हैं हाँ, करते हैं कि नहीं? कह रहे सब्जी आती है, कद्दू आता है, तोरी आता है, प्रेस करने आता है, लड़की बोलेगी क्योंकि माँ ने सिखाया गाँव गाँव है, गाँव की तरह जवाब देती है, साइलेंट है भाई साहब आज, सब लोग साइलेंट हैं, औरत भी साइलेंट रहती है। लेकिन जब एक साल हो जाता है उसके बाद पति फोन करता है ये की देता तुसी,
ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਗਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਹ ਰਿਹਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਟੇਜ ਪਰ ਦੇਖੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਹੂ ਆਈ ਥੀ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਦੀ ਗਊ, ਅਰੇ ਗਊ ਦਿਖਾ ਨਾ, ਕਿਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਗਊ ਦੇਖੋ ਸਕਰੀਨ ਪਰ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਗਊ, ਕਹ ਰਹੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਗਾਏ ਹੈ, ਬੋਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, 10 ਬਾਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਲੜਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਤੀ, ਬੋਲਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਤੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਔਰਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਮਝ ਜਾਓ ਤੁਮ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਣਾ, ਘਰ ਮੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਕੀ ਮਾਂ ਸੇ ਪੁੱਛੋ, ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਦੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸਕੀ ਮਾਂ ਬੋਲਤੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰਨੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਅੱਜ ਗੋਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹਾ, ਅੱਜ ਬੰਬੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹਾ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹਾ, ਅੱਜ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਵਾ ਰਹਾ, ਅੱਜ ਸੁਨਾਰ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਪੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹਾ, ਅਬ ਸ਼ੇਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਕਿਆ ਗਾਏ ਬਣੇਗੀ। ਉਸਕੀ ਮਾਂ ਉਸਕੋ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਚਾਰਾ ਗਲਤੀ ਸੇ ਸਸੁਰਾਲ ਮੇ ਜਾਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਜਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪੜੋਸੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਤੀਨ ਲੋਗੋ ਸੇ ਬਚਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੜੋਸੀ ਸੇ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਸੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹ ਰਹੇ ਵਹਾਂ ਪਰ ਦੁਕਾਨ ਪੜੋਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਕਹ ਰਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਮੇ ਕਿਤਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਦਮਾਦ ਕਹਤਾ ਬੇਵਕੂਫ ਯੇ ਤੋ ਮੇਰੀ ਸਸੁਰਾਲ ਹੈ। ਕਹ ਰਹਾ ਤਭੀ ਤੋ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਇਸ ਘਰ ਮੇ ਜੋ ਬਵਾਲ ਥਾ ਵੋ ਤੁਮਾਰੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹੇ ਲੋਗ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਤੇ ਹੈ ਲੋਗ, ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਬਤਾਤੇ ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ, ਅਗਰ ਗੰਦਾ ਲੜਕਾ ਹੋਗਾ ਨਹੀਂ ਬਤਾਏਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਆਪਕੇ ਘਰ ਮੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਗੀ, ਆਪਕੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ, ਆਜ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯੇ ਬਹੂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਯੇ ਬਹੁਤ ਸਾਸ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਯਾਦੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀ ਸ਼ਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਮ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਮਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੇ ਬਦਲਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਚਰਚ। ਆਮੇਨ। ਕਰਾ ਅਗਰ ਆਜ ਆਪਕੋ ਪਾਸਟਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿ ਰਹਾ ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਿਣਾ, ਅਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸੀਖ ਗਏ ਹੈ ਵੋ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਕਾ ਖੁਦਾਜ ਮਸੀਹ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਤੇ, ਯੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜਤੇ ਝਗੜਤੇ ਰਹਤੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਜ ਆਪ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਕਹ ਰਹਾ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ, ਆਜ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਚਰਚ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਕਹ ਰਹਾ ਆਪਕਾ ਬੈਂਕ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਆਪਕੀ ਰਿਪੋਰਟੇ ਬਿਨਾ ਗਵਾਹੀ ਕੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਚਰਚ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਕੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਨਾਮ ਮੇਂ। ਕੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯੈਸ। ਹਮ ਅਯੂਬ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲੇਂਗੇ ਫਟਾਫਟ, ਦੇਖੇਂਗੇ ਪਾਦਰੀ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਅਯੂਬ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਂ ਹਮ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਸੇ ਦਿਖਾ ਸਕਰੀਨ ਪਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ 33:14। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋ ਇੱਕ ਕਿਆ ਵਰਨ ਦੋ ਬਾਰ ਬੋਲਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਲੋਕ ਉਸ ਪਰ ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤੇ, ਸਵਪਨ ਮੇਂ ਯਾ ਰਾਤ ਕੋ ਦੀਏ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਂ, ਜਬ ਮਨੁਸ਼ਯ ਘੋਰ ਨਿੰਦਰਾ ਮੇਂ ਪੜੇ ਰਹਤੇ ਹੈ, ਯਾ ਬਿਛੋਨੇ ਪਰ ਸੋਤੇ ਸਮੇਂ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹਾ ਯਹਾਂ ਪਰ? ਕਹਿ ਰਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋ ਓਏ ਸਕਰੀਨ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼, ਮੁਝੇ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਵਤਾਰ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਸੇ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਲਿਖਾ ਸਕਰੀਨ ਪਰ, ਕਹਿ ਰਹਾ ਕਿ ਅਯੂਬ ਕੋ ਕਾ, ਕਹਿ ਰਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਮਨੁਸ਼ਯ ਕੇ ਕਾਨ ਖੋਲਤਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ? ਕਹਿ ਰਹਾ ਦੋ ਵਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤੇ ਲੋਕ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਹਾ ਵੋ ਕੈਸੇ? ਕਹਿ ਰਹਾ ਦੋ ਵਾਰ ਸਿਗਨਲ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਬ ਆਪ ਡ੍ਰੀਮ ਮੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਸੋ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਗਹਿਰੀ ਨਿੰਦਰਾ ਮੇ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਲੋਹੀਆ, ਗਹਿਰੀ ਨਿੰਦਰਾ ਦੋ ਸੇ ਚਾਰ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਲੋਹੀਆ, ਵੋ ਭੋਰ ਕਾ ਸਮੇਂ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਹਾ ਕਿ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕਹਿ ਰਹਾ ਕਿ ਪਤਰਸ ਕਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹਾ ਥਾ, ਨਿਰਾਸ਼ ਥਾ, ਔਰ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਜਾ ਕਰ ਸੋ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਰਹਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਛਲੀ ਪਕੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਜਹਰੀ ਰਾਤ ਜਾਲ ਡਾਲਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਛਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਕਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕਰ ਸੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸਕੀ ਔਰ ਦੇਖਾ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੋਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੇ ਕਾਨ ਖੋਲਨੇ ਕੇ ਲਈ ਆਉਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸਕੇ ਕਾਨ ਖੋਲਨੇ ਕੇ ਲਈ, ਭੋਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਉਸਕੋ ਆ ਕਰ ਕਹਿਣੇ ਲਗਾ, ਅਰੇ ਕਿਉਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਨੇ ਮੰਗਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਮੈਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਕਾਨ ਖੋਲਨੇ ਚਾਹੇ, ਡ੍ਰੀਮ ਕੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਇਧਰ ਨਹੀਂ, ਆ ਤੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਗਾ, ਆ ਤੇਰਾ ਉਧਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਮਤ ਜਾਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਡ੍ਰੀਮ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਤ ਕੀਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਤੇਰਾ ਸਿਗਨਲ ਦਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਬ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਤਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਕੋ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਮ ਲੋਕ
रात मछलियां डाल पकड़ता रहा पकड़ता रहा पकड़ता रहा, लेकिन पूरे साल पकड़ते रहो एक भी जाल नहीं भरा है। डर गया है पतरस और इसी समय कहने लगा, आज तो मेरे सारे लोग भूखे रहेंगे क्या, आज तो हम खाली हाथ जाएंगे सारे मछुआरे। लेकिन यीशु मसीह आकर उसके पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, राइट हैंड डाल डाल। बोलता है, अरे मेरे बाप दादे तो अरे बचपन से मछुआरे हैं और तेरे बाप दादे तेरे बड़ी का काम करते हैं, कह सकता था ये बात। लेकिन उसी समय क्या हुआ, लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने विश्वास कर लिया और उसी समय परमेश्वर के इशारे को समझ लिया। उसने कहा राइट हैंड जाल डाल, उसने राइट हैंड जाल डाला और जाल भर गया है। आज याद रखना, जितने लोग आज परमेश्वर के सिग्नल से चलेंगे, आज पादरियों के सिग्नल से चलेंगे, प्रॉफिट के सिग्नल से चलेंगे, आज वचन के सिग्नल से चलेंगे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज तुम्हारा खाली जाल भरेगा यीशु मसीह का नाम। तुम्हारे जाल खाली नहीं रहेंगे चर्च। तेरा हो सकता है आपने बहुत जाल भरा हो लेकिन खाली कर दिया हो किसी ने, लेकिन मैं आज आपको सिग्नल देने के लिए आया हूँ कि आज मेरा परमेश्वर साइलेंट नहीं रहेगा। आपने बहुत बार पादरी का गल्ला भर दिया हो, आपने बहुत बार अपने पड़ोसियों का गल्ला भर दिया हो, अपने द्वारों का मुंह भर दिया हो, लेकिन आप आज भी खाली हो। लेकिन विश्वास करना, पवित्र आत्मा कह रहा है के आज याद रखना, मेरा परमेश्वर कब्र में से कब्र को खाली करके आपको भरने के लिए जी उठा है। आमीन। मेरा जी उठा है वो आज आपके और मेरे लिए, वो आपके अंदर काम करना चाहता है। लेकिन अगर आज आप उसको आने के लिए उसके साइलेंट को समझ लेंगे, उसके इशारे को सिग्नल को समझ लेंगे, ट्रेन आती है इशारा देती है। याद रखना, आज ये भविष्यता आपको भविष्यवाणी करके कह रहा है, जिसके नाम GJNRSPK से हैं, उनका फेवर आज इस साल में परमेश्वर करने वाला है। आमीन। आमीन बोलने वाले आज आजाद हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाएंगे आज। हालेलुया। इशारा दे रहा था दूसरा इतिहास 20 के 20 में जो शपथ डरा हुआ था, लेकिन उस समय उस इशारे को समझ नहीं रहा। आज बहुत बार हम लोग सिग्नल को समझते नहीं है। यहोशापात डर गया, उसके एक गलती कर बैठा यहोशापात, लेकिन अपनी गलती को मानने के लिए तैयार था, उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन जब भी वो डरा हुआ था परमेश्वर ने उसी समय उसके पास एक भविष्यवक्ता भेज दिया है और उसी समय उसको समझा दिया है। लेकिन पहले विश्वास नहीं कर रहा था, अब क्या कह रहा है, अब अपने लोगों को सिखा रहा है यहोशापात, कह रहा है परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखोगे तो तुम स्थिर रहोगे। तुम कह रहा कि तुम स्थिर रहोगे, बने रहोगे, लंबी उम्र जियोगे। कह रहा अगर तुम नबियों पर विश्वास करोगे, प्रतीति करोगे, तो कह रहा कि आज से तुम्हारे हाथ के काम सफल हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। कह रहा जो वो इशारा देकर जा रहा है, जो वो साइलेंट नहीं है आज, मैं कह रहा हूं आज खुदा साइलेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वो मेरे अंदर से आपको सिग्नल दे रहा है। आप जितनी भी जंग लड़ रहे हो, मुसीबतों से, कर्जे से, बीमारी से, आज किसी से भी हो सकता है, यहाँ पर कोई पादरी हो, आप इसी समय या विश्वासी हो, इस समय आप कह रहे हैं परमेश्वर को, कह रहे हो परमेश्वर मैंने तेरी इतनी सेवा किया, मैंने इतनी बार वॉलंटियर हो, क्वायर हो, कुछ भी हो, आप कहीं से भी आए हो और आप कह रहे हो परमेश्वर मैंने इतनी बार मेहनत किया, इतनी बार जाल डाला, मैंने इतनी बार प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर मेरा जाल तो आज भी खाली है, मेरा दिल तो आज भी कह रहा है कि आज रो रहा है, मेरी इच्छा तो आज भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन आज रात परमेश्वर कह रहा है एक बार और जाल डालकर देखना, एक बार और सिग्नल परमेश्वर को देकर देखना, क्योंकि आज भविष्यता के कहने से देख कहकर देखना, क्योंकि आज पवित्र आत्मा कह रहा है जितने उसे हालेलुया बोलकर सिग्नल देंगे, आज से फैसला लेंगे, आज से फैसला लेंगे परमेश्वर कि मैं पाप की जिंदगी को छोड़कर, परमेश्वर मैं पुरानी जिंदगी को छोड़कर तेरे पीछे फिर से चलना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा कह रहा आज मेरा परमेश्वर आज रात ड्रीम में तुम्हें एक सिग्नल देगा गवाहियों का। आमीन। तुम्हारी गवाहियों का सिग्नल आएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि अगला सिग्नल मेरा होगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधी है। कितने लोगों ने शादी के समय वाचा बांधी थी, औरत से अपनी पत्नी से वाचा बांधी थी, उससे कहा था कि मैं सुख में दुख में तेरे साथ रहूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही परमेश्वर ने कह रहे कि अपनी दूल्हनों से वाचा बांधी है, आप दुख में, आप प्रॉब्लम में, आप किसी भी हालत में, अपने दिमाग से निकाल दो आज अपने करम, अपने दिमाग की आवाज, आज अपने दिमाग के ख्याल निकाल दो आज। आज कह दो जो सोच रहे हैं कि शायद परमेश्वर मेरी गलतियों को माफ नहीं करेगा, मैंने क्या कहा, आज पवित्र आत्मा कह रहा है जितनों आज बदलना चाहते हैं, कह रहा है उनकी गलतियां आशीष में बदली जाएंगी आज। आमीन बोलने वाले। आमीन। मैं आपको बाइबल से बताऊंगा कि परमेश्वर का दास अब्राहम कह रहा है एक जगह गलती पर बैठा, लेकिन उस समय में
वो सोच रहा था शायद मेरी गलती का रिजल्ट करा परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। जब हम पढ़ते उत्पत्ति 20 के 1 से 2 में तो वहां पर लिखा कि ये गरार जगह पर अपनी पत्नी के साथ बड़ी कंपनी बड़ा नाम बड़ा पैसा बड़ा शोहरत छोड़कर चल पड़ा है अपनी पत्नी सारा के साथ अब्राहम। और जब गरार देश में गरार जगह पर चला जाता है और जिसे में वहां जाने के बाद परमेश्वर से कहने लगता है परमेश्वर कि तू मेरे ऊपर दया कर और इसी समय कि परमेश्वर मेरे से बातें कर, लेकिन इसको एक भी आवाज सुनाई नहीं देती, इसको दर्शन सुनाई नहीं देते, इसको सिग्नल सुनता नहीं है। लेकिन ये सोचता है कि शायद परमेश्वर साइलेंट हो गया है, जब मैं बच्चा बांधता हूँ तो परमेश्वर साइलेंट हो जाता है। आज बहुत सारे पादरी ऐसा ही सोचते हैं, आज विश्वासी ऐसा ही सोचते हैं। बहुत बार मैं भी ऐसा ही सोचता था कि मैं जब दूसरों के लिए दुआ करता हूँ किसी की कोठी लग जाती है, किसी का बच्चा बाहर चला जाता है, किसी को बच्चा हो जाता है, लेकिन परमेश्वर तू मेरी ओर कान क्यों नहीं लगाता, मेरी ओर नहीं देखता। अब्राहम यही सोच रहा था कि परमेश्वर मैं लोगों का भला करता आ रहा हूँ लेकिन मेरी ओर तू कान नहीं लगा रहा, साइलेंट हो जाता है मेरी बारी में। हम कई बार यही कहते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर तू मेरी ही बारी में क्यों साइलेंट हो जाता है। कितनों को लगता है परमेश्वर चुप है, आपके लिए आंसर नहीं आ रहा, आज रात आंसर आएगा। आमीन बोलने वालों, आमीन। हम पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हाँ हाँ, एक गलती कर बैठा, क्या कर बैठा। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अभिमलेख से, इसका माइक खुलवा, तेरा माइक मैं खोल दूंगा, सुन रहे हो। आज यहाँ पर लिखा 3:20-2 में जब ये जा रहा था अपनी पत्नी के साथ तो रास्ते में एक राजा अभिमलेख उसकी पत्नी को देख लेता है, बड़ी सुंदर है। और पुराने नियम के अंदर अगर कोई चीज सुंदर लगती थी लोग ले लिया करते थे, कोई लॉ नहीं था, कोई लाइसेंस नहीं था, कोई ईडी प्रूफ नहीं था, कोई गारंटी नहीं थी, किसी की नहीं थी, और लोग खोस लिया करते थे। अगर कार पसंद आ गई, घोड़ा पसंद आ गया, जनानी पसंद आ गई तो उठा कर ले जाते थे और उस आदमी को मार दिया करते थे जिसकी वो चीज थी। तो उस समय में अब्राहम ने डर के मारे एक झूठ बोल दिया। अब्राहम ने कहा, उससे पूछा, करा कौन है ये, बोलता है मेरी बहन है ये, अपनी पत्नी को बहन बना लिया और उसी समय कहने लगा मेरी बहन है ये। वो क्योंकि जानता था कि अगर खरा के अगर मैं सच बोल बैठा तो खरा के ये उसी समय खरा के मेरी गर्दन को उतार देगा। और उसी समय बोलता है खरा के ये मेरी बहन है। और उसी समय वो उसको ले गए। और पुराने नियम के अंदर ऐसे शादी नहीं कर लेते थे, वो 3-3 महीने तक उनका कोर्स चलता था ब्यूटी पार्लर का। यहाँ तो एक दिन में पोचा लगा कर ब्यूटी पार्लर का आ जाती है शादी करने के लिए, लेकिन 3 महीने चलता था, 3 महीने। और 3 महीने के लिए रख दिया गया। और जिसमें अब्राहम अकेला बैठकर सोच रहा है और परमेश्वर को कह रहा है, पछता रहा है और क्या अपनी गलती को बार बार मान रहा है, लेकिन कोई इशारा नहीं आ रहा है, कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। अब्राहम तो टूट गया अंदर से, अरे टूटा पड़ा है अब्राहम और कह रहा है परमेश्वर मेरी मदद कब करेगा, मेरी पत्नी को उठा कर ले गए और परमेश्वर मैंने चाहे झूठ बोल दिया, मेरे से गलती हो गया। लेकिन उसी समय परमेश्वर का वचन कहता है कि 20:2 में कि परमेश्वर अपना भय मानने वालों के लिए, गलती मानने वालों के लिए साइलेंट नहीं रहता, करा के स्वर्ग से अपनी चुप्पी तोड़ देता है। आज रात वो आपके लिए तोड़ेगा, आज रात वो आपके लिए भी तोड़ेगा। अगर आज आप बीमार हैं, अगर आज आप कर्जे में हैं, अगर आज आप किसी परेशानी में हैं, लेकिन यहाँ पर अब्राहम करा के प्रॉब्लम में था, लेकिन उसने जब अपनी गलती को माना तो उसी समय परमेश्वर ने चुप्पी को तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया, 20:2 में हम देखते उत्पत्ति की किताब में वहाँ पर लिखा, हाँ पढ़ेंगे पास्टर शो के साथ। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में स्क्रीन पर दिखा अभिमलेख के पास आकर कहा, सुन जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा क्योंकि वो सुहागिन है। परंतु अभिमलेख उसके पास ना गया था, इसीलिए उसने कहा, हे प्रभु क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा, क्या उसी ने सारे बोला हालेलुया हालेलुया। कह रहा परमेश्वर उसके पास गया ड्रीम में। कैसे गया ड्रीम में, क्या कहा, परमेश्वर सिग्नल देता है ड्रीम में उसके पास, क्योंकि वो राजा परमेश्वर का भय मानने वाला था, उसके ड्रीम में गया और ड्रीम में जाकर कहा उसको, बोलता है कह रहा है राजा ये कह रहा है कि नबी की पत्नी है, इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, नहीं तो तू आज रात मारा जाएगा, तेरे लोग मारे जाएंगे। डर गया है और खड़ा हो गया है और कहने लगा, अरे ये क्या बात है, कह रहा परमेश्वर कह रहा ये क्या बात है, कह रहा इसके पास कोई लाइसेंस है, करा जैसे लोग नहीं करते पंजाब में, सर जी मेरी गड्डी है, मेरी गड्डी है, वो करा मेरी गड्डी है, मेरी गड्डी है, मेरी जनानी है, करा तेरी कहां से हो गई,
कहता फिर अब्राम की कहां से हो गई, कह रहा होगा लड़ रहा होगा विचारों में, कह रहा है कि अब्राम के पास कौन सा लेसन है। आज पंजाब में देखते हैं अब बिना गाड़ी, कह रहा है किसी की गड्डी किसी की वाइफ लेके घूम रहे हैं, लाइसेंस नहीं है, कहते लाइसेंस नहीं है भाई साहब, रास्ते में पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, 100 रुपए देके छूट जाते हैं, बोलते हैं हम, बोला हालेलुया। लेकिन याद रखना एक्सीडेंट होगा इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर लाइसेंस, कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा अब्राहम ने भी इसीलिए झूठ बोल दिया होगा, कह रहा कोई आधार कार्ड तो नहीं है, कोई देख तो रही नहीं है, साइलेंट है, कोई चुप रहे, कह रहा इधर उधर देखा अब्राहम, कह रहा ना आधार कार्ड है किसी के पास, ना राशन कार्ड है, कोई गारंटी नहीं है, कह रहा मेरी तो बहन है ये, छोड़ा के कहने लगा। आज यही सोचकर लोग पाप कर लेते हैं, लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर देख नहीं रहा, वो चुप है, लेकिन परमेश्वर चुप नहीं है, हालेलुया। और देखो यहाँ पर आकर क्या कह रहा है, इसी के तीन में कह रहा है, कह रहा परमेश्वर, कह रहा इसी बंदे ने तो मुझे कहा कि मेरी बहन है, तू निर्दोष को मारेगा क्या, मैं मरूंगा क्या, कहता मुझे क्यों मारेगा, इसी ने तो कहा। लेकिन एक बार भी परमेश्वर ने अपने बंदे के लिए ये नहीं कहा, इसने झूठ बोला है, उसकी बात को जैसे एक माँ टाल रही होती है, उसकी गलती को मान ही नहीं रहा परमेश्वर, कह रहा है नहीं, कह रहा है तुझे नहीं पता, चुप कर, ये नबी है, नबी, हालेलुया, कह रहा चुप कर, नबी है, ये तेरे लिए प्रार्थना करेगा। वो बार बार कह रहा इसने झूठ बोला है, कह रहा है कि नहीं ये नबी है, वो कह रहा पिछले कह रहा मुझे सच क्यों नहीं बताया, कह रहा है कि। लेकिन आजकल के पादरी भी यही पूछते रहते हैं बेचारे, क्या करें, फोन करके पूछते हैं किसी को, हेलो आज चर्च क्यों नहीं आए, और विश्वासी क्या बोलते हैं, पास्टर जी साडा पेट दर्द हो रहा सी, पास्टर पूछता आज क्या कर रहा, फिर पेट दर्द हो रहा तो क्या कर रहे हो, कह रहा टीवी देख रहा हूँ, क्रिकेट मैच आ रहा, आता झूठ आता सच बोल रहा है, कह रहा इसका मतलब इसीलिए चर्च नहीं आया, मैं आऊं तेरे घर, तू आ जा प्रार्थना करता हूं तू ठीक हो जाएगा, बोलता नहीं नहीं आज नहीं आना, आज मेहमान आए हो इन्हें, क्योंकि उसको मालूम है, कह रहा आधा झूठ आधा सच। लेकिन आपकी गलतियों में भी तो भी परमेश्वर आपको आशीषें देने की ताकत रखता है, हालेलुया, हालेलुया, आपकी गलतियों में मेरा परमेश्वर ताकत रखता है। यार मैं कह रहा हूँ कि आज रात कह रहा कि अगर कोई सोच रहा है अपने ख्यालों में, यहाँ पर अब्राहम भी सोच रहा था अपने ख्यालों में कि परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा क्या, मेरे ऊपर दया नहीं करेगा क्या, लेकिन परमेश्वर ने उसकी तकदीर बदल दी, उसके पास कुछ नहीं था, झोला छाप था, लेकिन उसी समय खाली हाथ घर से निकला, और उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा राजा अभिमेलेक, कह रहा है कि इसको छोड़ दे, इसकी पत्नी को छोड़ दे, बोलता है कह रहा है अरे अब तो देर हो गई है, बोलता कैसे देर हो गई है, कह रहा कि मैंने आधा राजपाट इसके नाम कर दिया है, कह रहा आधी संपत्ति इसके नाम कर दी है, कह रहा वो क्यों की, कह रहा कि मेरा साला कोई गरीब थोड़ी होगा, कह रहा मैंने सोचा कि मेरा साला गरीब नहीं होना चाहिए, जब मैं किसी को बताऊंगा मेरा साला भी अमीर है, लेकिन वो नहीं जानता था कि परमेश्वर उसकी गलतियों में उस रात को उसको बहुत बड़ा धनी आदमी बनाना चाहता था, हालेलुया, बहुत बड़ा धनी आदमी बना दिया है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज रात आप कह रहे हैं परमेश्वर मुझसे गलती हो गया है मुझे माफ कर दे, मैं कहा बार बार मत कहो, आज विश्वास करो आपकी गलतियां आशीष में बदलने वाली है, आज रात आमीन, आज रात कोई यहाँ पर करोड़पति बनने वाला है, आज रात किसी के बड़े बड़े बिजनेस खुलने वाले है, आज मिराकल को लेकर जाओगे दोस्तों, आज आमीन बोलने वाले, आमीन हालेलुया बोलने वाले, आज तकदीर बदल जाए आज रात आपकी, चामीन बोलकर आज आमीन बोला हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं कि नहीं, कितने लोग तैयार हैं आज, हाथ उठाकर कहूं कि परमेश्वर आज से मेरी गलतियों को आशीष में बदल दे, बोलो परमेश्वर मेरी गलतियों को आशीष में बदल दे आज, कह रहा है अब्राहम, अब्राहम की गलतियां आशीष में बदली गई, याद रखना आज सिग्नल समझ गया है अब्राहम, अगर आज आप उस सिग्नल को बार बार तोड़ते हैं आज्ञा मानने के सिग्नल को, तो कह रहे थे आशीष में नहीं सीधा नरक में बदली जाएंगी, लेकिन परमेश्वर आपसे चाहता है कि अगर आज आप हाथ उठाकर फैसला कर लें, आज परमेश्वर आपकी तकदीर बदलने के लिए आया हुआ है। पहला शमूएल के अंदर 1:17 के अंदर कह रहे कि हन्ना को नहीं पता शिलो में जा रही थी मांगने के लिए, लेकिन जिस दिन उसको साइलेंट कर रहे उस इशारा सिग्नल मिला, जिस दिन उसने कहा कह रहे कि परमेश्वर उसने क्या समझ गई है, वो परमेश्वर के इशारे को समझ गई है, परमेश्वर क्या चाहता है आपसे, कह रहे कि आपसे बड़ा नाम है बड़ा शोहरत है बड़ा पैसा है, ये नहीं चाहता परमेश्वर आपके लाइफ को समर्पण चाहता है समर्पण। हन्ना ने जिस दिन कहा कि परमेश्वर मैं अपने जीवन को समर्पण करती हूँ, अगर तू मुझे बच्चा दे देगा मैं इसे अर्पण और समर्पण करके चली जाऊंगी, याद रखना अगर आज आप अपनी देह प्राण आत्मा को परमेश्वर के लिए अर्पण कर देंगे सेवा के लिए अर्पण कर देंगे, मैं कह रहा हूँ कि आज रात परमेश्वर की आवाज तेरा चुप नहीं रहेगी, भविष्य
इशारा आया हन्ना के पास, हन्ना के पास एक सिग्नल आया भविष्यता का, और क्या लिखा, लिखा एली ने कहा कुशल से चली जा, इसराइल का परमेश्वर आज रात के बाद तुझे मुंह मांगा वरदान देने वाला है। आमीन। आज रात जितने लोग हाथ उठा रहे हैं लाखों की भीड़ को, परमेश्वर जो ऑनलाइन देख रहे हैं आमीन बोल रहे हैं, हालेलुया बोल रहे हैं, इस भविष्यता के द्वारा मेरे मुंह से बोल रहा है आज आपको वो मुंह मांगा वरदान आमीन बोलने वालों को देने वाला है। आमीन। आमीन बोलने वालों को देने वाला आमीन। है क्योंकि आप बड़ा